सो भाई पूरे लंबे ट्रैवल के बाद अभी रुक चुके हैं और भाई सबसे पहले तो भाई पेरिस गुड मॉर्निंग आप सभी को और स्वागत है भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर राइडर अभी पे। सामने है भाई अपने हनुमान जी का प्यारा सा मंदिर। सो कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है भाई जय श्री राम। भाई एक तो आजकल यार शेड्यूल ही नहीं रहा कुछ, शाम को कुछ करना है सुबह कुछ करना है। जब से भाई साहब जिंदगी में आए ना भाई सारा शेड्यूल ही चेंज हो चुका है, पता ही नहीं चलता कि सुबह कहाँ निकल जाए। अब अरे कहना क्या चाहते हो, सुबह 5 बजे थे भाई, सुबह घर से उठा लाया, उठाने के बाद गाड़ी में मेरे को लग गई आंखें। मैं जब उठा ला 86 किलोमीटर रह रहा है भाई, तो पूछा भाई जा कहाँ रहे हैं। सो भाई कहाँ है हम अभी ये तो बता दो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और एक तो अब तक शोर है भाई, कैसे हिल रही है गर्दन, कैसे हिल रही है इसकी। तो भाई आज हम जा रहे हैं भाई सलासर, गौरव का काफी दिन से मन था भाई कि वहां जाने का, बट शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। बट सुबह सुबह अचानक से कॉल आ गया इसका कि भाई 5 बजे की आ जा तू गाड़ी में बैठ ले। मैं कहा ठीक है भाई चल, वैसे था तो कुछ और प्लान आज का, बट मैं कहा चल चलते ही हैं मेरा घर जाऊँ, बाबा ने हमें बुला ही लिया है तो भाई आना तो पड़ेगा। और भाई एक्चुअली अभी हम आ चुके हैं, है क्या ये तो बता दो। बंधन बैंक के नीचे, बंधन बैंक के नीचे देखते हैं। झुंझुनू ब्रांच चाहिए तो झुंझुनू। ओके अभी हम भाई झुंझुनू के अंदर आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 8:42। यहाँ से रहता है टोटली 86 किलोमीटर, करीबन 1.5 घंटे का रास्ता और रहता है। और खाना पीना अभी तो कुछ लेने नहीं वाले, दर्शन करने के बाद ही देखेंगे जो भी होगा। और हाँ कुछ चाय वगैरह के लिए जरूर देखेंगे, रुकेंगे कभी कोई अच्छा अच्छा होटल दिखेगा तब। सो भाई पूरे लंबे ट्रैवल के बाद अभी रुक चुके हैं और भाई सबसे पहले तो भाई पेरिस गुड मॉर्निंग आप सभी को और स्वागत है भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर राइडर अभी पे। सामने है भाई अपने हनुमान जी का प्यारा सा मंदिर। सो कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है भाई जय श्री राम। और वरना लेके आए हुए थे विवेक बाबू जी हमारे, अब तक सो रहे हैं, उनका अभी उठने का कोई मूड ही नहीं है। और कुछ चाय वगैरह लेते हैं भाई फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि लंबा ट्रैवल है भाई, चाय वगैरह लेना तो बनता है। और हनुमान जी की पूरी बड़ी यहाँ पर मूर्ति है, देखो अंदर आपको देखने मिल रही है, बोल रही भाई जय श्री राम, जय श्री राम तो भाई जरूर लिख देना। और जैसे कि आज आपको बता दें भाई आज अपना चैनल जो है वो 60K क्रॉस कर चुका है। सो अब 60K पे अपने बाबा जी के सामने भी आना जरूरी था, तो हम यहाँ भी आ चुके हैं और आपको एक अच्छी जर्नी पे लेके आ चुके हैं। भैया कैसा लगा आपको लंबा ट्रैवल करके सोने के बाद, आपको तो पता ही नहीं चला कितना लंबा ट्रैवल हुआ है। बहुत आ रही है आंखें नहीं खुल रही इसकी, तभी तो और सोएगा ये भाई। सो हम कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं फिर देखते हैं। मंदिर परिसर दो भाई बेहद ही प्यारा है, बेहद ही प्यारा बना रखा है। ये रास्ते में ही आ जाता है जब हम सलासर जाते हैं ना, तो रास्ते में ही। और उस साइड वो हनुमान जी की बड़ी सी तस्वीर। और अभी के लिए निकल देते हैं भाई, हम भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधे अब सलासर ही मिलेंगे आपसे। बाकी रास्ते भी काफ़ी ज़बरदस्त बना रखे हैं, मैं दिखाऊँगा आपको, सिनेमेटिक शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी टाइम है भाई 10:45 पे हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं और
सबसे पहले तो आप ये करो इंजॉय, हल्का सा मेला मेला लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा यार। धूप तो होगी, सुबह आए जब तो मौसम ठीक था वहाँ से चले तो, बट धीरे धीरे धूप तो होगी। हाँ 11 बजे तो ही जाएगी, ऊपर से राजस्थान हो गया ना। और अभी चलो भाई बाबा के दरबार में चलते हैं, अपना माथा वगैरह टेकते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ प्लान है इनका। शायद मे भी खट्टू का प्लान बन जाए इनका, बट अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। सो अभी के लिए चल रहे हैं सामने, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेन मेला भाई। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ज़बरदस्त यहाँ मेला लगता है। और अभी आगे का मेरे को भी नहीं पता भाई कहाँ मंदिर है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। गौरव काफ़ी हो रहा है तो यार, गौरव काफ़ी बार आया भाई, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ। तो देखते हैं अभी कहाँ है मंदिर। ताकि हमारे सारे व्यूअर्स को जय श्री राम। जय श्री राम भाई, जय श्री राम पंकज, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ है भाई? अच्छा दाल बाटी चूरमा यहाँ का फेमस है क्या? ये राजस्थान की तो ट्रेडिशनल डिश है। अच्छा ट्रेडिशनल डिश है जो जैसे फेमस, बड़ा ज़बरदस्त ही है बोल रहा है ये तो। खाएंगे भाई आते टाइम में, एक बार पहले दर्शन कर लेते हैं ट्रेडिशनल। प्रसाद वगैरह ले दिया हमने भी और भाई दर्शन के लिए चल दिए हैं। अभी बाबा जी के दर्शन करते हैं अपने, आगे चले हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर चलते हैं। एंड भाई अभी के लिए हम अपने भाई दर्शन वगैरह करके वापस आ चुके थे, प्रसाद अभी अपना साथ में ले आए और ये खड़ी सामने अपनी गाड़ी। काफ़ी अच्छे और प्यारे से दर्शन हो गए थे, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा हमें। हाँ तो गर्मी तो भाई राजस्थान के अंदर हो ही जाती है। और प्रसाद कहाँ रखे भाई, गौरव अंदर रख दे क्या? डिग्गी में रख दें, घर ही जाना है तो घर ही जाना है और डिग्गी में रखते हैं। तो भाई बालाजी के दर्शन करके भाई हम वापस निकल रहे थे घर की तरफ, और इतने में भाई गाड़ी में चलते चलते हमारे पंकज भाई ने ना एक ऐसी वीडियो दिखा दी यार जो आज से ज्यादा वायरल हो रखी है। कौन था भाई वो बोपी? कौन था यार वो? भाई अगर आपने बाकी भाई अगर वायरल वीडियो आपने देखी हो तो उसकी चली हुई है ये चीज। जी हाँ, एंड यू कैन मेक वेरी गुड क्वालिटी कुल्हड़ पिज़्ज़ा एंड मेड कुल्हड़ पिज़्ज़ा एंड मेड कुल्हड़ पिज़्ज़ा एंड फन। और ये झुंझुनू में पड़ता है भाई ये रेस्टोरेंट, यहाँ रुक गए थे थोड़ी देर खाना वगैरह खाने के लिए। और क्या ही लोकेशन है भाई, गार्डन अच्छा बना रखा है अंदर की तरफ खाने के लिए। सो अंदर चलते हैं। बाकी अगर मैं बताऊं भाई, मैं फर्स्ट टाइम आया था सालासर, सो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा ना। और भाई एकदम से प्लान बन गया था अचानक से, वो गौरव बोला कि भाई चलना है तो चलना है, मैं चल कोई दिक्कत नहीं भाई चलना ही है तो। एंड भाई मेरा ये फर्स्ट टाइम था भाई कि मैं अपने सालासर पे आया था, सालासर सरकार ने भाई हमें बुलाया तो हमें आना तो था ही भाई। और गौरव की वजह से भाई ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि गौरव का फ़ोन अगर नहीं आता तो मैं शायद ना भी आ पाता, बट गौरव ले आया। काफ़ी अच्छा लगा भाई यहाँ पर सालासर पे आके, और पहली बार आया था तो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा ही रहा, क्योंकि ज़्यादातर कुछ ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था, इतना कुछ था भी नहीं, बट फिर ठीक है आराम से अपने दर्शन वगैरह आराम ईजिली हो गए। सो वो चीज़ ठीक हुई हमारे साथ। एंड अभी कुछ खाना वगैरह के लिए रुक चुके हैं, थोड़ा सा खाएंगे और फिर सीधे घर की तरफ निकल जाएंगे। सो कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी वीडियो, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और भाई हाँ, जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो को तो जय श्री राम तो यार जरूर लिखना है आपको, क्योंकि भाई अपने हनुमान जी खुद श्री राम के भगत थे, तो सीधा डायरेक्ट श्री राम लिखना तो बनता ही है, जय श्री राम।
सो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई रोहतक जाते हुए इसी के साथ हमारे सारे टोल कंप्लीट होते हैं। फास्टैग लगा हुआ है हालांकि गाड़ी पे, बट ये पता नहीं किस तरीके के टोल है भाई, यहाँ फास्टैग काम नहीं करता। सो यहाँ पे हमें अपनी कैश हमेशा कैरी करें, और ये पर्ची लेनी पड़ेगी आपको आते जाते टाइम की इकट्ठी। एक 70 रुपए की, एक 60 रुपए की है, एक 70 रुपए की है, और एक फिर 80 रुपए की है। पर्ची नहीं लेनी तो एक बढ़िया मोगरा रखूंगा। हाँ, आमदनी मट्टा है मटोड़ दो। सो इसी के साथ अब हम भी चलते हैं रोहतक के अंदर, और मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के अंदर।